राजधानी रायपुर की ओर, जहां से बड़ी खबर है। आपको बता दें, INH और हरी भूमि के संस्कृत बोर्ड के रिजल्ट को लेकर खुलासे में बड़ा अपडेट है। अब संस्कृत बोर्ड के उत्तर पुस्तिकाओं की फिर से जांच होने जा रही है। शिक्षा विभाग की 3 सदस्यीय कमेटी ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। तो मूल्यांकन और प्राप्तांक देने में भी भारी गड़बड़ी सामने आई है। सिर्फ मेरिट लिस्ट ही नहीं, पूरा रिजल्ट नए सिरे से अब तैयार होगा। अब तक बोर्ड की सचिव बदली गई है, परीक्षा प्रभारी सस्पेंड किए गए हैं। अब नए सिरे से उत्तर पुस्तिकाओं का होगा मूल्यांकन। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, INH 24x7 और हरी भूमि ने इस बड़ी खबर का खुलासा किया था, रिजल्ट को लेकर खुलासा किया था, जहां बिना एग्जाम दिए गई ही टॉपर बन गई थी छात्रा, और उसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ। लेकिन अब बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, अब उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन दोबारा किया जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन और प्राप्तांक में भी गड़बड़ियां पाई गई हैं। सिर्फ मेरिट लिस्ट ही नहीं, अब पूरा रिजल्ट नए सिरे से तैयार होगा। तो बोर्ड की सचिव बदली गई है, परीक्षा प्रभारी भी सस्पेंड हो गए, अब नए सिरे से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा। बिल्कुल, जिस तरह से नेहा INH 24x7 और हरी भूमि की टीम ने इस बोर्ड परीक्षा में हुए जो भी गड़बड़ियां हुई थी उसका बड़ा खुलासा किया था, और शिक्षा विभाग ने अब इसमें 3 सदस्यीय कमेटी की जांच। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गौरव, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि संस्कृत बोर्ड परीक्षा में यहाँ पर बड़ी अनियमितताएं पाई गई थी, जिसके बाद हरी भूमि INH 24x7 ने बड़ा खुलासा किया था इसमें, और अब बड़ा अपडेट है, दोबारा से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जाएगी, कमेटी का भी गठन किया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, संस्कृत बोर्ड के मेरिट लिस्ट को लेकर हरी भूमि और INH 24x7 ने बहुत बड़ा खुलासा किया था, जिसके बाद में बड़ी कार्रवाइयां हुई थी। इसमें संस्कृत बोर्ड की चेयरमैन है उन्हें हटाया गया था, साथ ही साथ परीक्षा के जो प्रभारी थे उन्हें सस्पेंड किया गया था। गड़बड़ी की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने अपनी जांच की रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। इसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि मूल्यांकन में भी गड़बड़ियां पाई गई थी, प्राप्तांक देने में भी गड़बड़ी थी। इसकी जो जानकारी है वो अब सामने आई, और अब इस मामले में उत्तर पुस्तिकाओं का दोबारा मूल्यांकन किया जाएगा, न सिर्फ मेरिट लिस्ट बल्कि अब जो फिर से तैयार किया जाएगा, पूरा रिजल्ट ही एक बार नए सिरे से तैयार किया जाएगा। तो बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से देखने मिली हरी भूमि और INH के खुलासे के बाद में। संस्कृत बोर्ड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया, जितने भी छात्रों ने परीक्षा दिलाई सबका मूल्यांकन फिर से किया जाएगा, इसके बाद में न सिर्फ रिजल्ट तैयार होगा बल्कि मेरिट लिस्ट भी नए सिरे से तैयार होगा। जो गड़बड़ियां पाई गई थी उसको लेकर भी सख्ती जो है वो बरती जाएगी। किस तरह से इस पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाया जाए, इस पर भी बड़े फैसले लिए जाने, तो आने वाले दिनों में ये देखने मिलेगा कि न सिर्फ इसकी फिर से जांच होगी, उत्तर पुस्तिकाओं की मेरिट लिस्ट तैयार होगा, फिर से रिजल्ट तैयार होगा, बल्कि इस पूरी गड़बड़ी को रोकने के लिए बड़े कदम भी उठाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर INH 24x7 हरी भूमि के खुलासे का बड़ा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पूरी उत्तर पुस्तिकाएं हैं, दोबारा से जांच होगी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी देने के लिए।